जय हिंद दोस्तों। बिहार होमगार्ड भर्ती 2011 जो कि जहानाबाद जिले के होमगार्ड अभ्यर्थियों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बॉन्ड भरने का डेट जारी कर दिया गया है। दोस्तों भर्ती का लास्ट प्रक्रिया का डेट जारी कर दिया गया है, तो अपने प्रखंड का अभी तक डेट नहीं चेक कर पाए हैं कि आपको किस डेट में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और बॉन्ड भरने जाना है, क्योंकि दोस्तों इसके लिए एक कमेटी भी गठित किया गया है समादेष्टा कार्यालय जहानाबाद द्वारा, क्योंकि जो अधिकारी आपको डॉक्यूमेंट चेक करेंगे बॉन्ड भरवाएंगे उनका एक कमेटी भी गठित किया गया है। तो दोस्तों इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा। अगर आप जहानाबाद जिले से आते हैं और फिजिकल पास कर चुके हैं तो दोस्तों आप सभी का बॉन्ड भरने का और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का डेट आ चुका है। साथ में दोस्तों यह भी बताने वाला हूँ कौन कौन सा डॉक्यूमेंट लेकर आपको जाना होगा। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को अभी से ही सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहां पर जो भी जानकारी आपको मिलने वाली है बिल्कुल सही और सटीक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और सभी जानकारी नोटिफिकेशन के अनुसार जानते हैं। दोस्तों यह ऑफिशियल साइट है और यहाँ पर देख सकते हैं यह नोटिस भी जारी किया गया। गृह रक्षक के पद पर स्वच्छ नामांकन हेतु आपको प्रमाण पत्र की जाँच हेतु दल गठन किया गया है जो कि आपको दिया गया है। इसी में दोस्तों आपको प्रखंड का डेट भी मिल जाएगा यहाँ पर देख सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर पीडीएफ का लिंक है, इस पर सिंपल सा क्लिक कर लेना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने देखिए यह पीडीएफ ओपन होकर आ गया। यहाँ पर दोस्तों आपको 212 अभ्यर्थी को पास किया गया है और दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं इस वेबसाइट पर jahanabad.bin.nic.in पर आप सभी यह आप जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर दिया गया है दोस्तों यहाँ पर आपको सभी मूल प्रमाण पत्र यानी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और बॉन्ड भराने के लिए साथ में जातीय आवासीय प्रमाण पत्र भी लेकर जाना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं प्रखंड वाइज डेट भी दिया गया है। फर्स्ट में दोस्तों घोसी, हुलासगंज, जहानाबाद शहरी और मदनगंज अभ्यर्थियों को काको अभ्यर्थियों का यहाँ पर 27 मार्च 2023 का होने वाला है। गृह रक्षक वाहिनी कार्यालय जहानाबाद में आप सभी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं जहानाबाद ग्रामीण और रतनी फरीदपुर मखदूमपुर के अभ्यर्थियों को 28 मार्च को होने वाला है। दोस्तों जो आप डॉक्यूमेंट दिए थे वह सभी डॉक्यूमेंट लेकर जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं चयनित अभ्यर्थी अपने सभी प्रमाण पत्र की सत्यापन के संबंध में शपथ पत्र जमा करेंगे, जिसमें यह आपको लिखा होगा कि समर्पित किए गए सभी प्रमाण पत्र सही है। यानी दोस्तों आपको एक देना है शपथ पत्र जिसमें आपको बताना होगा कि डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, कोई डुप्लीकेट नहीं है। यहाँ पर वहीं पर सब कुछ भरवाया जाएगा दोस्तों जांच केंद्र के क्रम में अथवा अभिषेक में उसके प्रमाण पत्र की सत्यापन के संबंध में प्रतिकूल सूचना प्राप्त होने पर उनकी दावेदारी रद्द कर दिया जाएगा। यानी दोस्तों आपका जो गलत कोई सूचना प्राप्त होगा तो आपका रद्द भी कर दिया जाएगा। तो आपको सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में जीरोक्स भी और 4 पासपोर्ट साइज फोटो भी लेकर जाना है। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं आपको बॉन्ड भराया जाएगा जिसमें आपको शराब सेवन नहीं करना है, दहेज नहीं लेना है, इस प्रकार के बॉन्ड भराया जाएगा और सभी डॉक्यूमेंट आपको चेक किया जाएगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो अधिकारी चेक करेंगे उनका नाम भी दिया गया है, उनका सब कुछ यहाँ पर डिटेल दिया गया है कौन कौन अधिकारी किस दिन रहने वाले हैं। तो दोस्तों आप सभी को बॉन्ड भरने जरूर जाना है। उसके बाद दोस्तों डायरेक्ट आपको ट्रेनिंग में भेजा जाएगा जो कि 120 दिन का ट्रेनिंग भी होने वाला है। तो दोस्तों और कोई भी जानकारी चाहिए हमसे तो डायरेक्ट कमेंट या व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सभी के पास मेरा मोबाइल नंबर है, उससे बात भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, नमस्कार।